नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं अनुराधा ते आलोपाचा त्याड़े दे लेखे जोखे उपर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदानता मेडिकल कंसल्ट सेंटर जम्मू। नगरोटा दे टोल प्लाजा दे कोल अज एक सड़क हादसा पेश आया, जिथे एक आल्टो कार डिवाइडर कने टकराने दे बाद सड़क उपर गै पलटी गई। इस कार च त्रै लोग सवार हे, जड़े कि मामली तौरा उपर घायल होए न। उथे गए नेशनल हाईवे अथॉरिटी दी टीम ने इनेगी फर्स्ट एड दी सहूलत मुहैया करवाई। तो मैं भी गाड़ी ऊपर से आ रही थी, उधमपुर साइड से जम्मू साइड जा रही थी, तो स्किड कर गई डिवाइडर के साथ, ऐसा तो ये गाड़ी पलट गई। जो इसके अंदर बंदे बैठे थे वो नॉर्मल हैं, नॉर्मल चोटें आई हैं। हम फर्स्ट एड देके इनको तोड़ने, हमने बोला इनको जीएम से ले जाते हैं, नॉर्मल चोटें थी इसलिए फर्स्ट एड दे रहे हैं। फर्स्ट एड देने के बाद इनको जे एंड के बीजेपी स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया ने आज अपने सहयोगी दे कने मिलिया एक प्रेस वार्ता दा आयोजन किया, जिदे तहत उन्हें एनसी ते कांग्रेस पार्टी उपर निशाना साध्या ते एक रिपोर्ट दे तहत उन्हें इन्हें पार्टियों पासया एससी ते एसटी वर्गेंगी हमेशा दबाने दी गल आखी है। ये इतना बड़ा एक जाल बुना गया इस ऑटोनॉमी रिपोर्ट के द्वारा, ताकि इन लोगों के ऊपर जो हक है इनका इनसे छीना जाए, और इसके इसी कारण जो है ये कम्युनिटी जो है हमेशा पसमांदा रही, पीछे रही। जब इतने बड़े बड़े लीडर जो खुद को एससी कम्युनिटी का या एसटी कम्युनिटी का भाई बाप समझते थे, जब ये लीडर खुद ही इस कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हो गए, तो एक फ्रेज यूज करना बड़ी जरूरी है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उस खेत का क्या होगा। आरजीएन के पीओजे के 1947 शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम दी पासया अज जम्मू च एक प्रेस वार्ता दा आयोजन किया गया, जिदे तहत उन्हें सरकार थमा पीओजे के रिफ्यूजीज दे लई जम्मू च विधानसभा चुनाव दीआं 10 सीटां निर्धारित करने दी गल आखी है। उन्हें गलाया कि इहदे कन्ने जम्मू दे लोगों की फायदा होग ते जम्मू च 20 सीटें च वाधा होग। हमें लोग शरणार्थी कहते हैं, ये हमारे भारत के लिए शर्म की बात है। 75 साल जिन लोगों ने 40,000 की कुर्बानियां दी और अपनी सारी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वहां पर छोड़ के आए, आज तक रजिस्टर नहीं हुए। पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट हामी चौधरी की देखरेख च अज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिदे तहत नरेंद्र सिंह लाडा की पार्टी च शामिल होने के बाद उनका पार्टी च गर्मजोशी के कने स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मते सारे पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र सिंह जी साडी पार्टी दे विच शामिल हो रहे ने, मैं कहना कि साडे लई अच्छी गल ते है ही है, लेकिन एक दुखदाई गल भी है। दुखदाई पक्ष यह है कि साडा होनहार साडी पार्टी का जम्मू रूरल के प्रेजिडेंट सरदार सरताज सिंह इतना तो वीर नरेंद्र साडा इस वेले गमगीन भी है, तो होना भी बनता मन साडा भी परेशान है कि अज असी इस जगह पर लाडे को सिद्धी विछोड़ा सानू दे गया, अज असी उसनू याद कर रहे हैं। कठुआ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिदे तहत लखे रुपए के चोरी हुए मोबाइल फोन कठुआ पुलिस ने बरामद करी लेते। इस गल की जानकारी SSP कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने एक प्रेस वार्ता करिए साझा की है। कठुआ थमां साढ़े संवाददाता पंकज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने 20 मोबाइल फोन्स जो हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रिकवर किए हुए हैं, और उनके हमने जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, और आज उनको बुलाया है ताकि हम उनको डायरेक्ट हैंडओवर कर सकें और उनको ये बेनिफिट मिल सके कि जो मोबाइल फोन्स उनके गुम हो गए थे उसमें एक TDS प्रोसेस के थ्रू ना जाते हुए डायरेक्ट बेनिफिट पुलिस वाले उनको दे दे, और उनको भी राहत मिले कि उनको उनकी जो मोबाइल फोन्स गुम हुए हैं वो उनको मिल जाए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के मौके उपर RSपुरा इलाके के ग्रां रायपुर गुजरा च सिंह सभा गुरुद्वारे दी पासया विशाल नगर कीर्तन कढ़िया गया, जिदे च मती सारी गिनती च श्रद्धालुएं हिस्सा लेता। नगर कीर्तन की अगवाई गुरु जी दे पंच प्यारे करा दे। ग्रां सुहांजना दे सरपंच बलबीर सिंह की देखरेख च अज युवा राजपूत सभा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिदे तहत महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिहाड़े पर छुट्टी किते जाने की मंग भी लई है चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभा के अध्यक्ष राजन सिंह हैप्पी खास तौर पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके च बर्फ ते मैदानी इलाके च बरखा होने कारण मौसम ने एक बारी फिर करवट बदली लेती है। उत्थे गए सवेरे थमां गए जम्मू च हवा दी बरखा दे चलदे लोग गर्म चीजें दा इस्तेमाल ते अग सेकदे लब्भे न। बारिश है यहां कदम आया, बारिश का पड़ा यहां पे बूंदे पड़ी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा था, खुश्की थी, यहां पे कोरोना के आपको लग रहा है ज्यादा ही था। अज जम्मू च जे एंड के मेक सभा ओल्ड रिहाड़ी च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिदे तहत सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन करिए आने वाले दिनों च किते जाने वाले कम्मे उपर चर्चा हुई।
इस कार्यक्रम के दौरान जीएमसी मेयर चंद्र मोहन गुप्ता समेत द जम्मू वुमन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के सदस्य भी खास तौर पर मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इसका ओरिजिन जो डोरे के मुंड से रहा वो स्कॉटलैंड से शुरू हुआ है। मॉडर्न जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो स्कॉटलैंड से शुरू हुआ था, फिर ये फ्रांस में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के जो मिस्टर रॉबर्ट है वो इसके फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है, वो एक पक्ष है। एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने एनजीओ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीज एंड नॉलेज के सहयोग करने डोडा जिले के कासीगढ़ के ज्यानी ग्रां च सांप्रदायिक सद्भाव उपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर समेत एनजीओ के कई सदस्य मौजूद थे। यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों को मेरी तरफ से यानी रानी वासना सिंह की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। यहाँ जितने इंसान जात हैं सब एक ही मर्द और औरत की ये सब औलादे हैं। इसके बाद मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि गीता में और हदीस में भी ये फरमाया गया है कि खुदा भगवान के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मथुरा च 28 दिसंबर थमां 3 दिसंबर तक आयोजित यूथ गेम्स डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रतियोगिता 2021 च बख-बख मेडल हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आज एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर वुमेन क्लब मेरी पहचान के अध्यक्ष संध्या गुप्ता, जीएमसी मेयर चंद्र मोहन गुप्ता मुख्य परौने के तौर पर मौजूद थे। इधर बगैर पद्मश्री एसपी वर्मा समेत कई मन्ने परमन्ने के लोग भी मौजूद रहे। तो कोई भद्रवाह से होगा और ये हमारे साथ हैं सेक्रेटरी स्वीटी मैम जी, जिनका इतना बड़ा एफर्ट और इतना बड़ा योगदान है कि आज बच्चे जो है वो नेशनल खेल के यहाँ तक एक ट्रॉफीज लेके जो आ रहे हैं हमारे देश में। हमारा जो भी बच्चा आता है वो विलेज एरिया से आता है, क्योंकि जम्मू में हमें स्टेडियम की कोई कमी नहीं है या हमारे बच्चों को नहीं है, लेकिन विलेज एरिया में बच्चों को इसकी बहुत इवेंट की बहुत कमी है, प्लेटफॉर्म की बड़ी कमी है। बच्चों के अंदर इतना टैलेंट भरा है, गांव के बच्चे हैं, रनिंग में आगे हैं, कबड्डी में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन इनको आगे लाने वाला कोई नहीं है। आजादी डोगरी खबरें बस इन आगे दे इजाजत, नमस्कार। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।